हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा कैलेंडर। सीसेट में जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीजनिंग के वीडियोस क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं और सिर्फ आपके जो काम के है एग्जाम ऑफ क्वेश्चन है सिर्फ उसी को हमने यहाँ पर क्या किया, समावेश किया। पिछले साल जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनको देखते हुए और अपकमिंग एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो सारी चीजें आपको मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपको अगर मान लो इनको छोड़े कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं देन आल्सो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो चालू करते हैं हमारा टॉपिक कैलेंडर। बिफोर स्टार्टिंग द कैलेंडर लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर, व्हाट एग्जैक्टली इज कैलेंडर एंड हाउ इट फंक्शंस। ठीक, तो हम देखेंगे जो कैलेंडर है वो हमारे पास सबसे पहला क्या होता है, ईयर होता है, मतलब वर्ष हमारे पास होता है। अब ये जो वर्ष होता है ये दो तरीके से होता है, एक हमारे पास होता है नॉर्मल वर्ष और दूसरा होता है लीप ईयर। ठीक, अगर नॉर्मल वर्ष के बारे में बात करेंगे तो 365 दिन होता है और लीप ईयर के बारे में बात करेंगे तो 366 दिन होता है। ठीक, नॉर्मल में यहां पर क्या होगा, जो भी हमारे पास फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है और लीप में ये जो फरवरी है वो 29 का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम पता कैसे करेंगे कि जो वर्ष आपको दिया है कि लीप है कि नहीं। अगर जो वर्ष आपको दिया हुआ है वो 4 से भाग जाएगा, अगर वो 4 से भाग जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। जैसे 1992, तो मैंने 4 से भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करने के लिए हम सिर्फ लास्ट के दो नंबर को लेते हैं, तो 92 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो मतलब ये लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी कितना होगा, 29 होगा। क्लियर हो गया। एक चीज याद रखिएगा, अगर सपोज मैंने बोला सन 1400, क्या ये लीप वर्ष है? अब ये जो होगा सेंचुरी वर्ष के अंतर्गत आता है, ये जो 1400 है ना ये सेंचुरी वर्ष के अंतर्गत आता है। हाँ ये सही बात है कि ये 4 से भाग जा रहा है, लेकिन जब भी आपका सेंचुरी शताब्दी वर्ष होगा वो कब माना जाएगा, लीप वर्ष, जब वो 400 से पूरी तरह भाग जाएगा। तो ये 4 से भाग जा रहा है लेकिन 400 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष हमारे पास नहीं होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, जो दूसरा होता है, अब वर्ष हो गया, अब जब वर्ष होगा ना उस वर्ष में यहां पर क्या होंगे, माह भी होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। अब वहां पे क्या होगा, आपके पास महीना होगा, अब उस महीने के बाद यहां पर क्या होता है, आपके पास क्या होता है, वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है और एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। एक वीक में हमारे पास क्या होता है, 7 दिन होता है। और हम ये भी जानते हैं कि एक हफ्ता में यहां पर क्या होता है, 7 दिन होता है और 7 दिन के बाद वो दिन का क्या होता है, रिपीटेंस चालू आपका हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि 2 तारीख को आपका सोमवार था, अगर मैंने बोला 2 तारीख को सोमवार था तो अगला सोमवार कब होगा, हर 7-7 दिन के बाद रिपीट होगा, तो 2+7 कितना हो गया, 9। 9 भी यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा। 9+7 कितना होगा, 16। 16 भी यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा। 16+7 कितना होगा, 23। 23 भी यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा। 23+7 कितना होगा, 30। 30 भी यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा। क्लियर। तो सेम इसी वे में अगर सपोज हमको 30 तारीख सोमवार बोला है, 30 में से 7 घटाए तो कितना हो जाएगा, 23। 23 भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो ये वीक हमारे पास होता है। तो अब हम देखेंगे, हम जो गिनती गिनते हैं ठीक ऐसा गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितनी भी पहाड़ियां है ना, जितने भी आपके उठे हुए भाग है, ये हमारे पास क्या होते हैं, 31 वाले होते हैं। और जो दबे हुए जिसको हम घाटियां बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये 30 के होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं, हमारे पास 30 के होते हैं।
तो जनवरी में कितना हुआ? जनवरी में हमारे पास क्या हुआ? 31 हुआ। फेब के बारे में बात करेंगे तो दो ऑप्शन है, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 होगा, नॉर्मल होगा तो क्या होगा? 28 होगा। तो ये 28 ऑब्लिक मैं ले लेता हूं 29, ठीक। मार्च हुआ तो 31, अप्रैल हुआ तो 30, मई हुआ तो 31, जून हुआ तो 30, जुलाई हुआ तो 31, अगस्त हुआ तो 31, क्योंकि आपके बाद यहां पर जुलाई के बाद अगस्त कंटिन्यू आपका यहां से हुआ था, बीच में हमने अब ऐसा किया था, ठीक है। सितंबर हुआ हमारे पास 30, अक्टूबर हुआ 31, नवंबर हुआ हमारे पास 30 और दिसंबर हुआ हमारे पास 31, ठीक है। अगर मैंने बोला कि यदि किसी वर्ष का फरवरी, तो मैं ये मान के चलूंगा कि फरवरी में यहां पर क्या 28 है। अगर मैं ये भी बोला कि कोई विशेष वर्ष का फरवरी, तो भी मैं क्या लेके चलूंगा, उसमें 28 लेके चलूंगा, जब तक कि आपको ये मेंशन ना किया हो कि हाँ जो वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं वो लीप वर्ष है, ठीक। उसी प्रकार अगर मैं बोला यदि किसी माह, यदि किसी माह बोला तो वहां पर महीने में कितना दिन होता है, 30 को मैं बेस लेके चलूंगा। यदि कोई विशेष माह बोलेगा तो भी यहां पर मैं क्या लेके चलूंगा, उस महीने को 30 दिन ही लेके चलूंगा, जब तक कि वो स्पेसिफाइड मेंशन नहीं किया है कि दिस इज अगस्त, दिस इज फरवरी एंड द फरवरी ऑफ द लीप ईयर ऑफ फरवरी और दिसंबर, ऐसा पर्टिकुलर मेंशन करेगा नहीं तो, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास हुआ। अब यहां पर क्या हो गया, सात के बाद यहां पर क्या रिपीटेंस आपको बता दिए चालू हो जाएगा, मतलब सात के बाद क्या होगा, दिन रिपीट होगा। तो सात सात में क्या होता है, एक हफ्ता होता है, तो सात में है ना, उसके बाद 14 में होगा, फिर 21 होगा, फिर क्या होगा 28 होगा, फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा। मतलब एक महीने में अगर मैं बोला तो चार कंप्लीट सर्कल बनेंगे वीक के, चार कंप्लीट सर्कल बनेंगे, वो किस रूप में होगा, 7, 14, 21 और 28 के रूप में होगा। तो अब अगर सपोज मैं इसको लिया तो यहां पर क्या हो चुका है, चार सप्ताह पूरे मतलब 28 हो चुका है, या इसको मैं 7 से भाग दे दिया। दो तरीके से कर सकता हूं कि मैं इसको 7 से भाग दे दिया, दूसरा तरीका मैं ये बोला कि यहां पर क्या हो गया, 7 के सर्कल में 7, 14, 21, 28 में 28 में खत्म हो जा रहा है, तो ये भी बोल सकता हूं 28 में खत्म होता है, कितना बचा अपने पास, एक्स्ट्रा बचा हमारे पास 3 दिन। तो इसका मतलब इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3। विषम दिन कब काम आएगा, जब आपको एक महीने से एक महीने का दिन दिया रहेगा, आपको दूसरे माह का दिन निकालना है, या एक वर्ष का दिया रहेगा दूसरे वर्ष का कोई और दिन निकालना है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। 28 लिया तो 0, 29 लिया तो 1, 31 लिया तो 3, 30 लिया तो 2, 31 लिया तो 3, 30 लिया तो 2, 31 लिया तो 3, 31 लिया तो 3, 30 लिया तो 2, 31 लिया तो 3, 30 लिया तो 2 और 31 लिया तो 3, ठीक। ये हमारे पास क्या होगा, विषम दिन हमारे पास ये वाला होगा, ठीक। होप यहां तक हमारे पास क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे पास पहला चीज हुआ। दूसरा कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी वर्ष हुआ, अगर नॉर्मल ईयर हुआ, अगर नॉर्मल ईयर हुआ, साधारण वर्ष हुआ, अगर साधारण वर्ष हुआ तो इसको याद रखेंगे कि स्टार्ट और एंड सेम डे पे होता है। स्टार्ट और एंड क्या होगा, सेम डे पे होगा, ये पहला चीज है। जैसे अगर मैं बोला कि 1 जनवरी 1991 अगर मैंने बोला कि सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1991 ये भी यहां पर क्या होगा, सोमवार, ठीक है, ये पहला चीज। लेकिन अगर सपोज यही लीप ईयर हुआ तो 1 प्लस होके आएगा, लीप ईयर में क्या होगा, 1 क्या होगा, प्लस होगा। वो 1 क्यों प्लस होगा, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, फरवरी में हमारे पास 28 दिन होते हैं, तो चार कंप्लीट सर्कल पूरा हो गया, चार कंप्लीट सर्कल हमारे पास क्या हो गया, पूरा हो गया। तो उसके बाद अगर मान लो सपोज लीप वर्ष बोलते हैं, तो लीप वर्ष में यहां पर 29 होता है और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, हम इस लीप वर्ष में 1 को जोड़ेंगे। नॉर्मल वर्ष में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, 28 होता है, मतलब 0 हो जाएगा, चार कंप्लीट सर्कल बना देगा,
31 में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, इसलिए हम एक को क्या करेंगे वहां पर प्लस करेंगे। तो वैसे अब अगर सपोज मैं ये बोल दिया कि 1 जनवरी 1996, क्योंकि लीप वर्ष है, अगर मैं ये बोला कि ये मंगलवार है तो 1 जनवरी 19 तो इस कंडीशन पे 31 दिसंबर 1996 अगर मैं बोला तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब आपका समान दिन अगले वर्ष जाएंगे, नॉर्मल वर्ष का ना, समान दिन अगले वर्ष जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, सेम डे नेक्स्ट ईयर प्लस वन। ठीक, सेम डे नेक्स्ट ईयर प्लस वन, लेकिन अगर सपोज फेब्रुवरी लीप ईयर का क्रॉस करेगा, तो प्लस टू होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फरवरी क्रॉस कब हो रहा है, याद रखिएगा फरवरी क्रॉस होगा, लीप ईयर का फरवरी क्रॉस होगा अगले साल का, तो दो दिन प्लस होगा, और अगर एक ही दिन होगा, एक ही मतलब नॉर्मल वर्ष होगा, तो एक क्या होगा, प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 1991 सोमवार, 1 जनवरी 1992 ये क्या होगा, ट्यूसडे। क्यों होगा, क्योंकि मैं 1 जनवरी 1992 में, मैं लीप वर्ष में तो आ चुका हूं, लेकिन यहां पर कब बोला प्लस टू कब होगा, जब आप लीप वर्ष का फरवरी क्रॉस करेंगे, तो अब अगर मैं बोलूंगा 1 जनवरी 1993 तब यहां पर क्या होगा, प्लस टू होके क्या हो जाएगा, थर्सडे, क्योंकि 1 जनवरी 1992 से जब मैं 1 जनवरी 1993 आऊंगा तब बीच का फरवरी 1992 को क्रॉस करूंगा, इसलिए यहां पर प्लस टू हो रहा है। और अगर सपोज सेम क्वेश्चन अगर मुझे बोला है कि सपोज 25 सितंबर 1992 अगर ये सोमवार है तो 25 सितंबर 1993 क्या पड़ेगा। ठीक, ये अपने पास हुआ, तो यहां पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, याद रखना ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्यों, सितंबर में 1992 में आया हूं, सितंबर 1992 में फरवरी को छोड़ के आया हूं ना, फरवरी को छोड़ के तो मुझे फरवरी को क्रॉस तो पहले कर चुका है, तो फरवरी क्रॉस यहां पे नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ट्यूसडे होगा हमारे पास। बात समझ में आ रहा है। अब अगर सपोज मैं यहां पर बोला कि 1 जनवरी वाला हो गया, ठीक, ये चीज याद रखना कि आप फरवरी कब क्रॉस करते हैं, वो चीज को आप याद रखना। ठीक है, ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ और बचेंगे, है ना, जैसे सपोज आपके पास एक अननोन डेट दे दिया है, ठीक, अननोन डेट दे दिया है और आपको उसका दिन निकालना है, वो वाला कॉन्सेप्ट अपन लोग आएंगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के साथ अपन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, याद रखना, ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखना भाई। पहला क्वेश्चन बोला इफ टुडे इज फ्राइडे, आज मंगलवार, आज शुक्रवार है, तो 363 दिन बाद क्या पड़ेगा। देखिए 363 दिन बाद 77 डेज में वीक का सर्कल कंप्लीट होता है, 7-7 दिन में यहां पर क्या होता है, वीक का जो सर्कल होता है ना वो 7-7 दिन में यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जब बात करेंगे 363 डेज का, 7 दिन से डिवाइड किए तो 7 × 5 = 35 बचेगा हमारे पास 1 और 3, 7 × 1 = 7 बचा 6, मतलब हमारे पास 6 विषम दिन बचा, 6 एक्स्ट्रा दिन बचा है। तो इस जब फ्राइडे में अगर मैं 6 दिन जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और आंसर विल बी थर्सडे, तो क्या होगा, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कैलेंडर में वीक में जो 7 दिन होता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, वहां से रिपीटेंस हमारे पास चालू होता है। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ फर्स्ट डे वाज फ्राइडे व्हाट वुड बी संडे, अगर सपोज आज सोमवार आज शुक्रवार है तो संडे कब पड़ेगा, कल के बाद वाला दिन। ठीक है, अगर आज शुक्रवार है तो क्या पड़ेगा अपने पास, कल के बाद वाला दिन, मतलब डे आफ्टर टुमारो, आज से दो दिन बाद नहीं होगा, परसों होगा, परसों मतलब आने वाला कल के बाद वाला दिन, मतलब द डे आफ्टर टुमारो, तो आपको परसों ही बोल सकता है, परसों भी बोलेगा तो और क्या बोल सकता है आपको, आने वाले कल के बाद वाला दिन, तो बोथ हैव द सेम मीनिंग, इस चीज को याद रखना। ठीक, अब ये आपको बोला है कि मार्च 11 आपका थर्सडे है, 11 मार्च आपका थर्सडे है, तो उसका आपका अंतिम दिन क्या होगा, उसका अंतिम दिन यहां पर क्या होगा। सिंपल सी बात है, बात कब कर रहा है, मार्च का, तो इस मार्च में कितना दिन होगा, 31 दिन होगा। आपको दिया क्या है, 11 तारीख आपको दिया हुआ है, आपको 11 तारीख आपको दिया हुआ है थर्सडे, ये आपको दिया हुआ गिवन, आपको 31 निकालना है। तो दो तरीके से है कि 11 में 7 प्लस किए 18 थर्सडे, 18 में 7 प्लस किए तो 25 हमारे पास क्या हो गया, थर्सडे। गॉट इट, क्योंकि 7-7 दिन में क्या होता है, सर्कल कंप्लीट होता है हमारे पास, इसलिए यहां पर 25 तारीख भी यहां पर क्या होगा, थर्सडे। अब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन बाद बोलेगा, इस अगर थर्सडे में अगर मैं 6 दिन जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बुधवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, हमको दिया है 11 तारीख, निकालना है 31 तारीख, बीच में कितना दिन का फर्क है, 20 दिन का फर्क है, समझ रहे हैं, बीच में कितने दिन का फर्क है, 20 दिन का फर्क है, और हम जानते हैं कि 7 दिन में एक वीक का सर्कल कंप्लीट होता है, तो 7 से भाग किए तो 7 × 2 = 14, बचा यहां पर क्या, 6 विषम दिन बचा है, आगे का बचा है, मतलब 11 का दिया हुआ और 31 पूछा है, तो हम आगे का निकाल रहे हैं। अब अगर सपोज सेम क्वेश्चन में 31 दिया है और 11 का पूछेगा तो क्या करेंगे, बैक जाएंगे, तो बुधवार में हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बचा है 6, हमारे पास रिमाइंडर 6 बचा है, तो उस 6 को अपन ने थर्सडे में प्लस किया तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2021 विल बी सिमिलर टू, समान होगा। जैसे क्या होता है कि जैसे आपका जो कैलेंडर इस वर्ष का है तो ये वाला सेम कैलेंडर किस वर्ष में और उपयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला कि सपोज 1990, अगर सपोज मैंने बोला कि 1990 और 2001 या 2000, हाँ ठीक, 1990 और 2001 का कैलेंडर समान है। मैंने क्या बोला, सपोज मैंने बोला 1990 और 2001 का कैलेंडर, यहां पर क्या मैंने बोला कि दोनों का कैलेंडर सेम है। सेम इसका मतलब होता है कि अगर सपोज मैं इसको बोला कि तीन मार्च, अगर मैं बोला 3 मार्च 1990, अगर ये मेरा थर्सडे पड़ रहा है तो 3 मार्च 2001 भी यहां पर क्या पड़ेगा, थर्सडे होगा। ठीक, इसी को हम बोलते हैं सेम कैलेंडर, मतलब कैलेंडर का रिपीटेंस। तो होगा क्या कि जब आप यहां पर क्या करेंगे, जब इसको आप क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, जो भी आपका ईयर दिया हुआ उधर के आप क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे, जब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे, 6 वर्ष के बाद करेंगे। जब आपका वही शेषफल रिमाइंडर 2 बचेगा या 3 बचेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 11 वर्ष को प्लस करेंगे, और अगर सपोज रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब अगर वो लीप वर्ष है, मतलब जो आपको वर्ष दिया हुआ है अगर वो लीप वर्ष हुआ तो उसमें 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे, 2021 को हम 4 से भाग किए, 4 से भाग करने का नियम क्या होता है, पूरी संख्या को 4 से बिल्कुल भाग नहीं करते हैं, सिर्फ अंत की 2 अंकों को लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो इस 21 को 4 से भाग किए तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा कितना, 1, एक्स्ट्रा 1 बचा है, 1 में क्या करते हैं हम, 6 वर्षों को प्लस करते हैं, तो 2021 में हमने 6 प्लस किया तो क्या बना, 2027, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ, तो कॉन्सेप्ट लाइन से पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं आपको। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन,
अब ये आपको बोला है कि इंडियाज रिपब्लिक डे, देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा, याद रखना कुछ कुछ जगह ना ये आपका ना, ये आपका क्या करेगा मालूम, ये आपका आपका ना जीके चेक कर लेगा, ठीक, ये आपका जीके चेक कर लेगा। सपोज बोलेगा कि स्वतंत्र दिवस पूछेगा, ठीक है, गणतंत्र दिवस पूछेगा, और सपोज आपको बोलेगा कि भाई आपका क्या बोलते हैं महिला दिवस 8 मार्च है ना, तो ये आपका जीके आपका चेक कर सकता है, याद रखना, ठीक। ये आपको इस तरीके से बोलेगा कि भाई यहाँ बोलेगा कि 2017 को गणतंत्र दिवस आपको मनाया गया था सपोज शुक्रवार को, तो 2020 का महिला दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा। तो इससे दो चीज होगा कि एक तो आपका कैलेंडर वाला चेक हो जाएगा, दूसरा आपका जीके भी चेक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। तो कुछ कुछ कॉमन डेज जो आपके होते हैं ना वो आप जीके में पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके में आप पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिवस, वो स्टैटिक जीके को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना, है ना, क्योंकि हर साल क्या होता है वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। नाउ व्हाट इज गिवन इज 217 भारत का गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया, तो 2021 में कब मनाया गया, ठीक, 2021 में। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था, मैं आपको याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या था, द फर्स्ट वन, ये कॉन्सेप्ट कुछ ये था कि सेम डे नेक्स्ट ईयर, अगर सेम डे नेक्स्ट ईयर होगा तो क्या करेंगे, एक को प्लस करेंगे, फरवरी का लीप क्रॉस होगा तो दो को प्लस करेंगे, ये याद है ना अपने पास, बस वही हमको यहां पर याद रखते हुए चलना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपको बोला है कि 2017 का मतलब 26 जनवरी 2017 ये दिया भाई साहब थर्सडे, और आपको निकालना है 2021, 26 जनवरी 2021 आपको निकालना है, ठीक है। तो 26 जनवरी 2018 ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा फ्राइडे, 2019 ये पड़ेगा सैटरडे, 2020 ये पड़ेगा संडे, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 लीप वर्ष है, लेकिन मैं पहुंच कब रहा हूं, 26 जनवरी तक पहुंचा हूं, मैं फरवरी तक नहीं पहुंचा हूं, फरवरी तक कब पहुंचूंगा, जब मैं 26 जनवरी 2021 पहुंचूंगा तो फरवरी 2020 को क्रॉस करके मैं जनवरी 2021 से पहुंचूंगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो दिन प्लस होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ये हमारा आंसर होगा, तो इस चीज को याद रखना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, विच डे विल कम ऑन द थर्ड डे आफ्टर 19 डे ऑफ द सेम मंथ। यदि किसी महीने का चौथा दिन आपका बुधवार है, मतलब आपके पास 4 तारीख आपको बुधवार है, तो उस महीने के 19वें के बाद तीसरा दिन कौन सा, 19वें के बाद तीसरा दिन मतलब 22 तारीख आपको क्या होगा, वही बोला अपने पास, थर्ड डे आफ्टर द 19th ऑफ द सेम मंथ, ठीक है, 19 दिन कितना 22 हुआ, तो आपको 4 तारीख दिया है, निकालना 22 तारीख है, कितने का फर्क है 18, 7 दिन में सर्कल कंप्लीट होता है, तो 7 से डिवाइड किए 7 × 14 रिमाइंडर क्या बचा 4, ठीक, आपको दिया यहां पर क्या बुधवार, अगर बुधवार में 4 दिन जोड़ा, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो अवर आंसर विल बी संडे, ये हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, ये आपको दिया नवंबर 13, 2021, ये आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ हमारे पास नवंबर 13 और 25 अक्टूबर 2021, अच्छा 25 अक्टूबर दिया है, अच्छा 25 अक्टूबर दिया हुआ है 2021, ये हमको क्या दिया हुआ है मंडे, और हमको निकालना क्या है 13 नवंबर, ठीक है भाई 13 नवंबर 2021 ये हमको निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 25 गया, तो यहां पर बचा कितना 6 दिन और नवंबर का 13 दिन, 13 और 6 कितना हुआ 19, हमको 19 दिन बाद का निकालना है, 7 से डिवाइड किए 7 × 14 बचा कितना 5, बचा 5
तो आपको दिया क्या था, मंडे दिया था, मंडे में 5 दिन जोड़े, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार, ये हमारा आंसर। हाँ ठीक, यहां से अपन लोग एक और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है, इसमें से हम एक और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। देखिए 13 मार्च 2018, ठीक, और आपको क्या निकालना है, 13 मार्च 2021, ये आपका दिया ट्यूसडे, तो 13 मार्च 2019 ये आपका क्या पड़ेगा, बुधवार, 13 मार्च 2020 ये क्या पड़ेगा, देखिए अब यहां पे देखना, 13 मार्च 2020 में आ रहा है, 13 मार्च 2020 मतलब फरवरी 2020 को क्रॉस करके हम आ रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा फ्राइडे, और 13 मार्च 2021 ये हमारे पास क्या होगा, सैटरडे, ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर सपोज मैं इस क्वेश्चन में बोला कि यहां पर अगर मैं बोल दिया कि मुझे 14 नवंबर 2021 निकालना है, यहां पर क्या था हमारे पास, सेम डे था, ईयर हमारे पास चेंज था, ठीक है ना, अब वहां पर क्या है, डे भी चेंज है, ठीक है, और ईयर भी चेंज है, तो पहला काम क्या होगा, अब निकालना मुझे क्या है, 14 नवंबर 2021 निकालना है, ठीक, मुझे ये निकालना है, तो पहला काम मैं 13 मार्च 2018 से 2021 तक का समान दिन निकालूंगा, 13 मार्च 2021 तक का मैंने निकाला और मुझे यहां पर क्या मिला है, सैटरडे, इस बेस को याद रखना, मतलब 13th ऑफ मार्च 2021 ये मेरा यहां पर क्या निकला है, सैटरडे। अब मार्च के बाद क्या क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक, तरीका समझ में आया, आपको सेशन के शुरुआत में ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या था आपका, कि वो था आपका महीनों का विषम दिन। अब मार्च में होता है 31 दिन, 31 में से 13 गया, तो इस मार्च में मेरे पास बचा है 18 दिन, ठीक, अप्रैल का 2 दिन, मई का 3 दिन, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का निकालना, मुझे कौन सा तारीख, 14 निकालना है, तो यहां पे 14 कर लिया। अब इन सबको प्लस किया, 8 2 10 10 3 13 13 15 15 3 18 18 3 21 21 2 23 23 3 26 26 और 4 30 का 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 मतलब 50 आ गया। तो अब मैं इस 50 को 7 से डिवाइड किया, क्यों, 7-7 दिन में सर्कल कंप्लीट होता है, 7-7 यहां पर क्या हो गया, 49, कितना बचा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बचा है, ठीक, एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास, एक हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है, तो यहां पर हमको सैटरडे दिया था, सैटरडे में एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संडे, क्लियर हुआ। तो ये जो सेकंड वाला बताया हूं ना, ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बार पूछता है, और इस क्वेश्चन को मैंने अलग से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहां पर इस जगह से क्लियर होगा आपका, इसीलिए आपको अलग से इस क्वेश्चन को नहीं दिया हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये आपको बोल रहा है
इफ देर आर फाइव मंडेज इन जनवरी वॉट कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वॉट कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. ठीक. अच्छा, ये इस तरीके से बोल रहा है क्या? चलो अब बात हो रही है जनवरी की. जनवरी के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, जनवरी में 31 दिन होता है, तो 28 कंप्लीट सर्कल, 28 में 4 वीक बच गए हैं. 28 में हमारे पास 4 वीक हो चुके हैं, बचा कितना दिन है, 3 दिन. तो ये बीच के जो 28 है ना, इस 28 में सर्कल कंप्लीट हो गया. 28 में क्या हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया. ठीक. अब 28 के बाद क्या होगा, जो 1 तारीख होगा ना, 1 तारीख जो होगा 28 के बाद क्या पड़ेगा, 29 पड़ेगा, 2 तारीख. ठीक है, 1 और 29 समझना, 2 और 30 और 3 और 31 यही होगा. जो भी 1 तारीख को होगा वही क्या होगा, 29 तारीख होगा, मतलब वो दिन वहां पर क्या होगा, रिपीट होगा. जो भी 2 तारीख को होगा वही क्या होगा, अपने पास 30 तारीख को होगा, वही दिन वहां पर क्या होगा, रिपीट होगा. ठीक है ना. अगर मैं यहां पर सोमवार लिया तो यहां पर क्या लिया, यहां पर मैं क्या लूंगा, यहां पर भी सोमवार. तो एक ऐसा दिन हो गया सोमवार जो वहां पर रिपीट होगा. ठीक है ना. दूसरा, अगर सपोज मैं 2 तारीख को यहां पर मंडे लेता हूं, ठीक है ना, तो अगर सपोज मैं 2 तारीख को यहां पर मंडे लेता हूं, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 30 तारीख को यहां पर क्या होगा, मंडे होगा. या अगर मैं सपोज 30 तारीख को मंडे लिया तो यहां पर क्या होगा, ये मेरे पास मंडे होगा. ये पहला कंडीशन. ठीक. अब अगर सपोज 1 तारीख को अगर मैं ट्यूसडे लिया, 1 तारीख को ट्यूसडे लिया, तो यहां पर 29 को यहां पर क्या हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है. ये पॉसिबल है क्योंकि, और यहां पर अगर मैं ट्यूसडे लिया तो ये हमारे पास पॉसिबल हो सकता है. फिर अगर सपोज 1 तारीख को अगर मैं वेडनेसडे लिया, ठीक है ना, 1 तारीख को वेडनेसडे लिया, तो यहां पर क्या हो सकता है अपने पास, यहां पर ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला होगा. यहां भी क्या होगा, 29 को भी यहां पर ये होगा. ठीक. तो याद रखना सबसे अच्छा आसान तरीका क्या होगा, रिपीटेंस चालू होगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ठीक है, ये आपको ये इस तरीके से आपका होगा. तो इसमें यहां पर क्या होगा, फाइव मंडेज का बारे में बात हो रहा है. इफ देर आर फाइव मंडेज तो वॉट कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ मंथ. पांच मंडे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको समझना क्या होगा. अगर पांच मंडे हुआ तो इसका मतलब ये 28 का सर्कल खत्म हो चुका है. और यहां पर क्या होगा, 1 तारीख होगा वही 29 को होगा, वही यहां पर क्या होगा, 2 तारीख होगा तो वही यहां पर क्या होगा, 30 को होगा, वही यहां पर 3 और यहां पर क्या होगा, 31 को होगा. पांच मंडे होगा तो ये भी यहां पर क्या होगा, मंडे होगा, तो ये यहां पर क्या होगा, मंडे होगा. समझ में आ रहा है. अब अगर सपोज मैं यहां पर मंडे लिया तो ये पहला तारीख यहां पर क्या होना चाहिए, संडे हो सकता है ना, क्योंकि अगर यहां पांच मंडे बोल रहा है. और अगर सपोज यहां पर मैं पांच मंडे लिया, अगर यहां पर पांच मंडे लिया तो इसका मतलब पहला तारीख यहां पर 31 अगर मंडे है तो ये यहां पर क्या होगा, 3 भी यहां पर क्या होगा, मंडे होगा, ये संडे होगा, और ये यहां पर क्या होगा, सैटरडे होगा. ठीक. यहां पर क्या होगा, सैटरडे होगा. तो कंडीशन क्या हो सकता है, पहला तारीख क्या हो सकता है कि मंडे, सैटरडे और क्या हो सकता है, संडे हो सकता है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे. तो व्हाट कैन की जगह यहां पर कैनॉट कर लेना. ठीक है ना, ये यहां पे इतना सा कर लेना. ठीक. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब वीक के सर्कल में आप जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन अ लीप ईयर हैज ओनली वन कैलेंडर. लीप ईयर में क्या होता है, एक कैलेंडर, मतलब यहां पर क्या होता है, फॉलोइंग मंथ इन अ लीप ईयर हैज ओनली वन कैलेंडर. फॉलोइंग मंथ मतलब एक ही साल में क्या होगा, एक ऐसे दो माह होंगे जिसका कैलेंडर रिपीट होगा. सपोज मैं बोला जनवरी और अगस्त बोला, तो अगर मैं बोला कि 15 जनवरी सोमवार है तो 15 अगस्त भी यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा. इसका मतलब उस पर्टिकुलर वर्ष का, उस महीने का कैलेंडर समान है. आपको यही आपको बोल रहा है. ठीक. लीप ईयर बोला है तो जनवरी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिस इज दिसंबर। ठीक है, लीप ईयर बोला है तो इसमें तीन दिन बचता है, इसमें एक बचता है, इसमें तीन बचता है, इसमें दो बचता है, इसमें तीन बचेगा, इसमें दो बचेगा, इसमें तीन बचेगा, इसमें तीन बचेगा, इसमें दो बचेगा, इसमें तीन बचेगा, इसमें दो बचेगा और इसमें तीन बचेगा। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं। अब चालू किससे करते हैं? जनवरी चालू करते हैं। ठीक है भाई, जनवरी चालू करते हैं। जनवरी में तीन, फिर चालू अपन करें जनवरी के बाद तीन एक तीन, मतलब सात का कंप्लीट हो गया। सात का कंप्लीट हुआ, जहां सात का सर्कल कंप्लीट हुआ मतलब सात दिन के बाद क्या होता है, सेम डे वही रिपीटेंस चालू हो जाएगा। इसका मतलब जनवरी और क्या होगा, अप्रैल का कैलेंडर यहां पर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, फिर अपन देखे तो यहां पर भी अपन देखे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास दो तीन, क्या हो गया सात। ये भी हो सकता है कि जनवरी और यहां पर क्या हो गया, जुलाई हो गया। ठीक, अब कोई होगा क्या, आगे अपन ले रहे हैं तो यहां पर, ठीक यहां पर अपन लिए तो ये इधर होगा क्या, नहीं, ये आठ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा और अपन यहां पे लेंगे तो ये कोई सा आपका नहीं हो रहा है। अब चलिए अपन तीन को लेके छोड़ते हैं। अब दो ऑप्शन आ गया है, दो ऑप्शन को यहां पे लेके छोड़ते हैं। अब यहां पर क्या, एक से लिया तो एक दो तीन, एक तीन दो मतलब चार, चार दो, चार दो कितना हुआ छह, छह तीन नौ, नौ दो ग्यारह, 11 और 3 कितना हुआ हमारे पास, 11 और 3 हमारे पास कितना हुआ 14। ये वहां पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, जनवरी जुलाई और जनवरी, यहाँ पर क्या होगा अप्रैल होगा। सेम में हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग लाइन से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको यहां पर क्या बोला है, ये आपको यहां पर कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं दिया, कोई भी आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया और कोई सा आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया है और आपको पता करना है कि वो वहां पे कौन सा दिन होगा। ठीक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना भाई, ये यहां पे याद रखना। अब इसके कोड याद रखते हैं, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 12 के वर्ग में दो जोड़े तो 146। कैसे याद रखें अपन लोग, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में दो जोड़े, समझ में आया, ये हमारे पास। सेंचुरी की अपन बात करते हैं, छ चार दो जीरो, 6420 यही रिपीटेंस आपका चालू होगा। अब अगर सपोज यहां पर 2000 से मैं बात किया 2099 तक तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, फिर अगर मैं बात किया 2100 से 2199 तो ये क्या हो जाएगा 4, ये रिपीटेंस आपका चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, एक दो तीन चार पांच छ और ये जीरो, जब सात से भाग करेंगे तो जीरो बचेगा तब आप उस कंडीशन पे। अब निकालना क्या है, 26 जनवरी 1950, डे को हमने लिख लिया 26, जनवरी का कोड हम देखें, जनवरी का कोड एक,
1950, तो इसमें 1900 प्लस 50, 1900 का कोड देखे, 1900 के कोड में कितना है? जीरो। यहां पर क्या बच रहा है? 50, तो यहां पर 50 को प्लस किए। ठीक, अब इस 50 में 4 से भाग करेंगे तो हमको लीप वर्ष की संख्या मिल जाएगा, तो यहां पर कितना मिलेगा? 12। कितना मिला? 12। अब डिवाइड, अब प्लस करते हैं, तो ये कितना हुआ? 6 और 1 कितना हुआ? 7। 7 और 2, 6 और 1 7, 7 और 2 9। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? 9 हुआ। ठीक, अब ये जो हुआ, ये यहां पर क्या हुआ हमारे पास? 9 हुआ ना, 2, ठीक, 2 5 7 और 1 8, यही हमारे पास 89 हुआ। 7 से भाग किए तो 12 7 84, कितना बचा? 5। 5 में हमारे पास क्या है? गुरुवार, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गुरुवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही प्लस किए, 26 जनवरी 1900 में कोड कितना है? 0। ठीक है, 50 और 12, 6 1 7 7 2 9, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये कोड याद रखने का तरीका है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 800 ईयर्स। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि लीप वर्ष में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 800 को 4 से भाग के तो कितना होगा? 200। लेकिन 100 200 300 500 600 700, ये 4 से भाग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये आपके सेंचुरी ईयर्स हैं। क्या है ये आपके? ये आपके सेंचुरी ईयर्स हैं, तो इसका मतलब ये 4 से भाग होने के बावजूद ये लीप वर्ष हमारे पास नहीं होगा। तो ऐसे कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, तो 6 माइनस किए तो कितना आया? 194, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, अशोक का जन्म 16, अशोक का जन्म 16 जुलाई को हुआ था। ठीक, रमन का जन्म उससे 5 दिन पहले हुआ था, तो इसका मतलब रमन का जन्म कब हुआ होगा? 11 जुलाई। यदि स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को पड़ता है, मतलब 15th of August, ये हमको क्या पढ़ रहा है? ये हमको पढ़ रहा है ट्यूसडे, तो हमको निकलना है रमन का जन्मदिन कब हुआ था। ठीक है भाई, ओके, 11 जुलाई और 15 अगस्त, ये हमको दिया हुआ है मंगलवार। जुलाई में 31 दिन होता है, 31 में से 11 गया तो 20 बचा, और इसका अगस्त का कितना? 15 निकालना है, 20 प्लस 15 कितना हुआ? 35। और ये जो 35 है ना, ये जो 35 है, ये आपका 7 से पूरी तरह भाग जा रहा है, 7 5 35, कितना बचा? 0, है ना, 35 जाएंगे कितना हो जाएगा? 0 ही बचेगा। तो ट्यूसडे में अगर अपन 0 दिन माइनस किए तो ट्यूसडे ही बचेगा, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा कैलेंडर। अब हम क्या करेंगे? कैलेंडर से इंटरलेटेड क्या करेंगे? क्लॉक करेंगे। ठीक, ये जो टॉपिक्स का आपको जो एमसीक्यू सीरीज में आपको जो रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपको लेके हैं ना, एकदम सैचुरेटेड, एकदम काम के टॉपिक्स लेके हैं, जो अक्सर आपके CGPSC के हिसाब से आपको ऐसा लेके आया है कि उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने व्यापम से भी उठाए हैं, ताकि आपको कुछ क्वेश्चन, कभी कभी CGPSC क्या करता है कि जो आपके व्यापम के एग्जाम्स होता है आपको वहां से भी आपको पूछ देता है, और पिछले वर्ष के क्वेश्चन को समावेश करके अपकमिंग एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछेगा, वो सभी का सभी आपके इस शॉर्ट रीजनिंग के वीडियोस में आपको पूरा कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए